तो आज जिस चैप्टर पर बात करेंगे, यूनिट थर्ड का तीसरा है, यूनिट थर्ड का तीसरा जो चैप्टर है वो है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांसपालिटी। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांस क्वालिटी, लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांसपेरेंसी, लोक व्यवस्था और प्रशांति को बनाए रखना। ठीक है, ये जो चैप्टर दिया गया है, ये चैप्टर ये सीआरपीसी में चैप्टर 10 है, सीआरपीसी का चैप्टर 10। सीआरपीसी चैप्टर 10, तो इसकी जो सेक्शन 129 है वो क्या कहती है? सेक्शन 129 सेक्शन 129 डिस्पर्सल ऑफ असेंबली, डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाई यूज ऑफ सिविल फोर्स। देखिए यहां पर कहा गया है कि सिविल बल के प्रयोग के द्वारा जमाव को तितर बितर करना, धारा 129 129 वो कहती है कि सिविल बल के प्रयोग के द्वारा जमाव को तितर बितर करना। तो इसमें कहा गया है कि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या ऐसे भार साधक अधिकारी की अनुपस्थित में उपनिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी किसी विधि विरुद्ध जमाव का 5 या अधिक व्यक्ति में किसी ऐसे जमाव को जिसे लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने की संभावना है तितर बितर होने का समादेश दे सकता है, और तब ऐसे जमाव के सदस्यों का कर्तव्य होगा कि वे तितर बितर हो जाए। उपधारा एक, धारा 129 की उपधारा एक जो है वो ये कहती है कि जब
विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा, अनलॉफुल असेंबली के द्वारा, या फिर एक ऐसी असेंबली जिसकी संख्या जो है, जिसके मेंबर की संख्या 5 या इससे अधिक है, और उस अनलॉफुल असेंबली द्वारा या असेंबली द्वारा जिसकी संख्या 5 या अधिक व्यक्तियों से अधिक है, वो किसी स्थान पर क्या करते हैं, कुछ ऐसा कार्य करने वाले हैं, कुछ ऐसा कार्य करने वाले हैं जिससे ये लगता है कि लोग शांत विक्षुब्ध होगी, लोग शांत जो है वो विक्षुब्ध होगी जाकर के। तब ऐसी अवस्था में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या थाने का भारसाधक अधिकारी, कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या थाने का भारसाधक अधिकारी या फिर उप निरीक्षक से पंक्ति में अनिम्न अधिकारी, जिसको हम कह सकते हैं सब इंस्पेक्टर, इन तीन लोगों को ये पावर दी गई है। कौन कौन तीन व्यक्ति हैं? पहला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दूसरा इन थाने का भारसाधक अधिकारी, तीसरा सब इंस्पेक्टर, इससे नीचे का व्यक्ति है। इन तीन व्यक्तियों को ये पावर दी गई है कि इन लोगों को अगर ऐसा लगता है कि किसी अनलॉफुल असेंबली के द्वारा या किसी असेंबली के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं या किए जाने की संभावना है, दोनों बातें इनको लगता है कि एक असेंबली अनलॉफुल असेंबली है जिसके द्वारा ये उनके कार्य द्वारा ये संभावना लग रही है कि वो लोग शांति को विक्षुब्ध करेंगे, पब्लिक जो पीस है उसको क्या करेंगे, विक्षुब्ध करेंगे। तो ऐसी अवस्था में ये लोग एक समादेश जारी कर सकते हैं, एक कमांड दे सकते हैं उन लोगों को कि आप लोग क्या हो जाएं, डिस्पर्सल, उनको डिस्पर्सल करने के लिए, उनको तितर बितर करने के लिए एक कमांड जारी करेंगे। कौन कौन जारी करेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, थाने का भारसाधक अधिकारी और सब इंस्पेक्टर। ये तीन लोग जो हैं, मजिस्ट्रेट हो गया, थाने भाषा अधिकारी हो गया है और उप निरीक्षक, इन तीन लोगों को भी पावर दी गई कि जहाँ इन लोगों को ऐसा लगता है कि अनलॉफुल असेंबली के द्वारा या असेंबली के द्वारा उनके कार्यकलापों से ऐसा लगता है कि वो लोग शांति को विक्षुब्ध करेंगे, तो फिर ये एक कमांड जारी करेंगे कि आप लोग डिस्पर्सल हो जाएं, आप लोग तितर बितर हो जाएं। फिर उन लोगों का ये कर्तव्य होगा, उन जो अनलॉफुल असेंबली या असेंबली है उनका ये कर्तव्य होगा कि उस समादेश के अनुसरण में पालन करते हुए उस स्थान से तितर बितर हो जाएं, उस स्थान से दूर हो जाएं। ऐसा करना क्या होगा, उनका ड्यूटी होगी। किनकी ड्यूटी होगी? जो अनलॉफुल असेंबली या असेंबली के मेंबर हैं उनकी ड्यूटी होगी कि जो कमांड दिया गया है उसका अनुपालन करते हुए, ये उनकी ड्यूटी होगी कि उस कमांड का अनुपालन करें, जो कमांड दी गई उसका वो अनुपालन करें। उदाहरण तो कहती है कि ये जैसा समादेश दिए जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर बितर नहीं होता है, या यदि ऐसे समादिष्ट हुए बिना हुआ इस प्रकार से आचरण करता है जिससे उसका तितर बितर न होने का निश्चय दर्शित होता है, तो उदाहरण एक में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जमाव बल द्वारा तितर बितर करने की कार्यवाही कर सकता है, और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है और उस नातेकार नहीं कर रहा है, ऐसे जवाब को तितर बितर करने प्रयोजन के लिए और यदि आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित हैं इसलिए गिरफ्तार करने और प्रवृत्त करने के लिए कि ऐसा जवाब तितर बितर किया जा सके, उन्हें विधिवत दंडित किया जा सके, सहायता की अपेक्षा कर सकता है। उदाहरण तो ये कहती है कि जहाँ किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने या थाने के भारसाधक अधिकारी या उप निरीक्षक ने एक समादेश दिया था कि जो अनलॉफुल असेंबली है वो तितर बितर हो जाए या जो असेंबली है वो तितर बितर हो जाए, तो उन लोगों का ये कर्तव्य था कि जैसे ही समादेश आया है अधिकारी की तरफ से वो अपने स्थान से व्यक्ति बाय व्यक्ति वहां से हट जाए, वो उसका समादेश का पालन करें, ये उनकी ड्यूटी थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया, पहली बात ये हो गई, समादेश उनको दिया गया था अनलॉफुल असेंबली ने उसका अनुपालन नहीं किया। दूसरी बात,
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि जो असेंबली है वो उनके द्वारा दी हुई कमांड को फॉलो ही नहीं करेगी, उनको ऐसा अभी उन्होंने कमांड नहीं दी है, परंतु जो असेंबली है उसके आचरण से उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने इनको कमांड दिया तो ये कमांड को फॉलो ही नहीं करेंगे, तितर-बितर नहीं होंगे, तो फिर इनके पास क्या ऑप्शन है? तो इनके पास ये ऑप्शन है कि ये लोग जो पुलिस अधिकारी है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है ये क्या करेंगे कि उस व्यक्ति से अपेक्षा करेंगे जो सशस्त्र बल का ना तो अधिकारी है ना सदस्य है, उस व्यक्ति से अपेक्षा करेंगे जो सशस्त्र बल का ना तो अधिकारी है और ना ही सदस्य है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, सशस्त्र बल से कौन क्या अर्थ है यहाँ पर? सशस्त्र बल से वो बल अभिप्रेत है जो सेना, नौसेना या केंद्र सरकार के अधीन जो बल हैं ये सशस्त्र बल में माने जाते हैं। तो इन सशस्त्र बल का ना तो अधिकारी है ना सदस्य है, अन्य बल का अधिकारी या सदस्य है, तो उससे ये अपेक्षा करेंगे कि आप जाकर के इन लॉफुल असेंबली या उसके सदस्य को तितर बितर करिए, और तितर बितर करने के लिए अगर आवश्यक हो तो उनको गिरफ्तार करिए, या आवश्यक ये है कि इनको गिरफ्तार करके इनको दंडित किया जाए तो जाकर उनको गिरफ्तार करिए, पहला तितर बितर करने के लिए या फिर तितर बितर और उनको दंडित करने के लिए। तो ये कौन अपेक्षा कर सकता है? ये जो पुलिस अधिकारी है वो अपेक्षा कर सकता है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो भी ऐसी अपेक्षा कर सकता है। तो ये हो गई है आपकी सेक्शन 129। अब आती है 130। थर्टी क्या कहती है कि जमा को तितर बितर करने के लिए, तितर बितर करने का मतलब होता है कि जिस स्थान पर अनलॉफुल असेंबली या असेंबली है उस स्थान से व्यक्ति व्यक्ति उन सबको बिखेर देना, अलग अलग कर देना। तो 130 जो है वो कहती है यूज ऑफ आर्म फोर्स टू डिस्पर्स असेंबली, जमा को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग किया जाना। अब यहां पर इन्होंने कहा है सबसेक्शन बन है वो ये कहती है कि यदि कोई ऐसा जवाब अनुसरित करते नहीं किया जा सकता है और यदि लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि उसका चित्रित किया जाए तो उच्चतर पंक्ति का कार्यवाही मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर बितर करा सकता है। अब यहाँ पर उन्होंने उदाहरण एक ही कहती है, दो बातें हैं यहाँ पर कि उपधारा एक जो है वो कहती है कि यदि ऐसा जमाव है, धारा 130 की उपधारा एक वो कहती है कि यदि ऐसा जमाव अदरवाइज डिस्पर्स नहीं किया जा सकता है, यदि ऐसा जमाव जो है अदरवाइज क्या क्या है डिस्पर्स नहीं किया जा सकता, अदरवाइज उसको अन्यथा तितर बितर नहीं किया जा सकता है, अन्यथा कौन सा जो तरीका बताया गया था धारा 129 में उस तरीके से उसको तितर बितर नहीं किया जा सकता है अनलॉफुल असेंबली को, और उसका तितर बितर किया जाना आवश्यक है क्योंकि लोक सुरक्षा लोक शांति के लिए ये आवश्यक है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या किसी पुलिस अधिकारी को
ये लगता है कि उपर्युक्त जो जमाव है उसको अदरवाइज डिस्पर्स नहीं किया जा सकता है, और ऐसे अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करना अति आवश्यक है, क्योंकि वो लोक व्यवस्था के लिए, लोक सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है। तो ऐसी अवस्था में जो उच्चतम रैंक का, हाईएस्ट रैंक का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, वो सशस्त्र बल के प्रयोग के द्वारा जमाव को तितर बितर करने के लिए अग्रसर होगा। तो इन्होंने कहा है कि अनलॉफुल असेंबली को, असेंबली को अनथर जो है डिस्पर्स नहीं किया जा सकता है, अदरवाइज डिस्पर्स नहीं किया जा सकता। तो हाईएस्ट रैंक का जो मजिस्ट्रेट है वो आर्म फोर्स की हेल्प से, आर्म फोर्स की हेल्प से जो अनलॉफुल असेंबली है, असेंबली उसको क्या कर सकता है, डिस्पर्स कर सकता है। ध्यान देना, यहाँ पर जो शब्द उपयोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि डिस्पर्स कर सकता है, ना कि सेल शब्द का प्रयोग करें, डिस्पर्स करेगा ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो कहते हैं कि डिस्पर्स कर सकता है। इसका सबसेक्शन 2 है जो कहता है, ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से, ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से जो सशस्त्र बल के व्यक्तियों की किसी टुकड़ी का समादेशन कर रहा है, अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से जमाव को चित्रित करते और उसमें सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों को जिनकी बाल मजिस्ट्रेट निर्देश दे या जिन्हें जमाव को चित्रित करने विधि के अनुसार दंड देने के लिए गिरफ्तार और प्रवृत्त करना आवश्यक है, गिरफ्तार प्रवृत्त करे। उपधारा 2 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, देखिएगा धारा 130 में जो पावर दी गई है वो पावर दी गई है किसको, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी गई है, और ये कहा गया है कि जो एट द टाइम हाईएस्ट रैंक का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, अगर हाईएस्ट रैंक का नहीं है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है तो वही, परंतु अगर है तो उसके द्वारा। तो इन्होंने कहा है कि जब उधार तो कहती है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी आर्म फोर्स के ऑफिसर से ये कह सकता है कि आपके निदेशाधीन, आपके डायरेक्शन में, आपके कमांड के अधीन जो सशस्त्र बल है आप उसके द्वारा अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कराइए, तितर बितर कराइए, और इस प्रकार से तितर बितर कराने में क्यों कराइए, ताकि ये लोग जो हैं पब्लिक पीस को डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, तो आप उनको डिस्पर्स कराइए। और ऐसा करने में अगर ये लगता है कि इनको तितर बितर तभी कराया जा सकता है जब इनको गिरफ्तार कराया जाए, और इनको गिरफ्तार करके उसको लगता है कि दंडित भी कराना आवश्यक है विधि के अनुसार, तो फिर वो इनको तितर बितर कराएगा और संबंधित व्यक्तियों को क्या करेगा कि गिरफ्तार भी करवा लेगा, गिरफ्तार कराएगा। उसके दो कारण, दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला कि गिरफ्तारी इसलिए आवश्यक है कि उनको तितर बितर किया जा सके, डिस्पर्स किया जा सके, दूसरा उसको, उनको अरेस्ट इसलिए करवाएगा ताकि उनको विधि के अनुसार दंडित भी करवाया जा सके। तो ये बात कहती है उपधारा 2, ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से जो सशस्त्र बल के व्यक्तियों की किसी टुकड़ी का समादेशन कर रहा है या अपेक्षा कर सकता है वह अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से जमाव को तितर बितर करा कर दे और उसमें सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों को जिनकी बाल मजिस्ट्रेट निर्देश दे या जिन्हें जमाव को तितर बितर करने या विधि के अनुसार दंड देने के लिए गिरफ्तार परिरुद्ध करना आवश्यक है, गिरफ्तार परिरुद्ध करे। तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो सशस्त्र बल के ऑफिसर से ये कहेगा कि आप उनको क्या करें, आपके अधीन जो सशस्त्र बल की टुकड़ी है आप उसके द्वारा जमाव को तितर बितर कराइए, और अगर उसको ऐसा लगता है कि जमाव को तितर बितर कराने के लिए व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है तो वो अरेस्ट करने का भी निर्देश देगा, और या फिर उसको लगता है कि अरेस्ट करवाना प्लस इनको दंडित करना भी आवश्यक है विधि के अनुसार असेंबली के मेंबर को, तो फिर वो उनको अरेस्ट भी करवाएगा और विधि के अनुसार दंडित करने के लिए भी अरेस्ट करवाएगा।
सबसेक्शन थ्री, सबसेक्शन जो थ्री है वो कहती है सशस्त्र बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसी अत्यपेक्षा का पालन ऐसी सशस्त्र बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसी अत्यपेक्षा का पालन ऐसी रीत से करेगा जैसी वह ठीक समझे, किंतु ऐसा करने में केवल इतने ही बल का प्रयोग करेगा और शरीर और संपत्ति को केवल इतनी ही हानि पहुंचाएगा जितनी हो जवाब तितर-बितर करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी निरुद्ध करने के लिए आवश्यक हो। अब देखिएगा, जब सशस्त्र बल के अधिकारी को जो आर्म फोर्स का ऑफिसर है उससे ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है, तब वो क्या करेगा कि जैसा वह ठीक समझे उस रीत से उस निर्देश की पालन करेगा, उस निर्देश का वो पालन करेगा और ऐसे निर्देश का पालन करने में वो इतनी इंजरी कारित कर सकता है शरीर को या संपत्ति को, इतनी इंजरी कारित कर सकता है ताकि जो अनलॉफुल असेंबली है या उसके मेंबर हैं उनको डिस्पर्स किया जा सके, तितर बितर कर किया जा सके और उनको अरेस्ट करने के लिए और बेदोषा दंडित कराने के लिए जितने बल का प्रयोग करना आवश्यक है उतने बल का प्रयोग वो कर सकता है जैसा वह उचित समझे उस हिसाब से उस तरीके से। जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा उसको निर्देश प्राप्त होता है, अध्यपेक्षा प्राप्त होती है, रिकॉग्निशन उसको मिलती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, तब आर्म फोर्स का जो अधिकारी है जिस तरीके से ठीक समझे उस तरीके से सशस्त्र बल का प्रयोग करते हुए अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए उतने बल का प्रयोग करेगा जितना सर्कमस्टांसेस में ठीक समझे। किसके लिए? पहला अरेस्ट करने के लिए, दूसरा अरेस्ट और उनको डिटेंशन में करने के लिए, निरुद्ध करने के लिए, ताकि उनको पहला अरेस्ट करके तितर-बितर किया जा सके, दूसरा अरेस्ट करके उनको विधि अनुसार दंडित भी करवाया जा सके। फिर है सेक्शन 131, पावर ऑफ सर्टेन आर्म फोर्स ऑफिसर टू डिस्पर्स असेंबली, जमा को तितर-बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति, धारा 131। यहाँ पर ये कह रहे हैं जब कोई ऐसा जमा लोक सुरक्षा को स्पष्टता संकटापन्न करता है, जब कोई ऐसा जमाव लोक सुरक्षा को स्पष्टता संकटापन्न कर देता है और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता है, तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपति अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर-बितर कर सकता है और ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित हों ऐसे जमाव को तितर-बितर करने के लिए या इसलिए कि उन्हें विधि के अनुसार दंडित किया जा सके गिरफ्तार कर सकता है, किंतु यदि
उस समय जब वह इस धारा के अधीन कार्य कर रहा है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना उसके लिए साध्य हो जाता है, तो वह ऐसा करेगा। तदनंतर इस बारे में कि वह ऐसी कार्रवाई चालू रखे ना रखे, मजिस्ट्रेट के आदेशों का पालन करेगा। इन्होंने धारा 131 में कहा है कि जब किसी आर्म फोर्स के कमीशन या गजेटेड ऑफिसर को, जब किसी आर्म फोर्स के कमीशन और गजेटेड ऑफिसर को ऐसा लगता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से संपर्क करना संभव नहीं है, संपर्क करना संभव नहीं है, संपर्क करने पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, और इस अनलॉफुल असेंबली को या असेंबली को जो पब्लिक पब्लिक सिक्योरिटी को क्या कर रहा है, इंडेंजर्स कर रहा है, लोक शांति लोक सुरक्षा को संकटापन्न कर रही है, एक अनलॉफुल असेंबली है या असेंबली के कुछ मेंबर हैं जो क्या कर रहे हैं, लोक सुरक्षा को स्पष्टतया संकटापन्न कर रहे हैं। और उस समय आर्म फोर्स के जो कमीशन या गजेटेड ऑफिसर हैं उन्होंने कोशिश की, परंतु एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मजिस्ट्रेट से वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तब फिर आखिर उनके पास क्या उपाय है? तो धारा 131 जो है वो उनको पावर देती है कि जहां पर आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और जमाव इस हालत में है, जो अनलॉफुल असेंबली या असेंबली है वो इस प्रकार कार्य कर रही है कि उसे लोक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो फिर उनको ये पावर दे दी गई है कि आप तत्काल प्रभाव से अपने अधीन, आपके कमांड के अधीन जो आर्म फोर्स है उसके द्वारा उस अनलॉफुल असेंबली असेंबली को आप डिस्पर्स कराइए, और अगर डिस्पर्स कराने के लिए ये आवश्यक है कि उनको अरेस्ट करना ही जरूरी है तो अरेस्ट कराइए, या फिर उनको ये लगता है कि जो अनलॉफुल असेंबली है इसके लोगों को विधि अनुसार दंडित कराने के लिए अरेस्ट कराना आवश्यक है, तो आप उनको विधि अनुसार दंडित कराने के लिए आप अरेस्ट कराइए, या आपको ये लगता है कि केवल उनको तितर बितर करने के लिए ही उनको अरेस्ट कराना आवश्यक है, तो फिर उनको तितर बितर करने के लिए ही आप उनको क्या करेंगे, अरेस्ट कराइए। और जहां वो ऐसा कार्य कर रहा है जो कमीशन है आर्म फोर्स का या गजेटेड ऑफिसर है आर्म फोर्स का, वो ऐसा कार्य उसने चालू कर दिया, कार्य अपना कर रहा है, जमाव को तितर बितर करा है, डिस्पर्स करा रहा है अपने आर्म फोर्स के मेंबर के द्वारा, उसी बीच उसको ये पता चलता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से संपर्क हो रहा है, तब फिर वो क्या करेगा, तत्काल ही वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कम्युनिकेट करेगा, संपर्क करेगा, और कम्युनिकेट करने के बाद उसके द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे, जो डायरेक्शन दिए जाएंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, उन डायरेक्शन के अनुसार या तो वो कार्य करेगा या कार्य को रोक देगा, या फिर वो उससे पूछेगा कि हम कार्रवाई को चालू रखें या कार्रवाई को हम रोक दें। तो ये पावर आर्म फोर्स के अधिकारी को, कमीशन को जो पावर दी गई है वो कहाँ दी गई है, 131 में उन्होंने कहा है कि आर्म फोर्स का अधिकारी के सामने, आर्म फोर्स का गजेटेड ऑफिसर है या उसका कमीशन है, उसको ऐसा लगता है कि एक स्थान पर जो है अनलॉफुल असेंबली असेंबली के द्वारा लोक सुरक्षा को संकटापन्न किया जा रहा है और उस समय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो वो तत्काल अपने को दी हुई शक्ति को प्रयोग में लाते हुए आर्म फोर्स के मेंबर के द्वारा उस जमाव को तितर बितर कराएगा, और उसको ऐसा लगता है कि तितर बितर कराने के लिए, तितर बितर ये तभी किए जा सकते हैं जब इनको अरेस्ट कर लिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, उसको ऐसा लगता है कि इनको तितर बितर कराना है प्लस इनको दंडित भी कराना है, तो भी वो उनको अरेस्ट करा सकता है, ये दी। और उसकी बात जब उसको लगा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से संपर्क हो रहा है संपर्क, तो फिर वो तत्काल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट संपर्क करेगा और उससे डायरेक्शन लेगा कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको चालू रखें या रोक दें, और जो मजिस्ट्रेट का उधर से डायरेक्शन आएगा उसी डायरेक्शन के अनुसार वो कार्य करेगा। अब सेक्शन है 132, 132
प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट डन अंडर प्रोसीडिंग सेक्शन। पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण। धारा 132 जो है 132 वो ये कहती है कि जो एक्ट धारा 129, 130, 131 के अधीन किए गए, जो एक्ट 129, 30, 31 के अधीन जो कार्य किए गए हैं और वो जिनके द्वारा किए गए हैं, उन लोगों को अभियोजन से संरक्षण प्रदान करना, ताकि उनके ऊपर कोई अभियोजन न चलाया जाए, क्योंकि वो पब्लिक हेल्थ में, पब्लिक पीस में वो लोग कार्य कर रहे थे। तो उन लोगों को अभियोजन से, कार्रवाई से उन लोगों को बचाने के लिए धारा 132 बनाई गई है। इसमें कहा गया है कि किसी कार्य के लिए जो धारा 129, 30, 31 के अधीन किया गया तत्पर थे, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन किसी दंड न्यायालय में, जहां ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बल का कोई अधिकारी या सदस्य है, वहां केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना संचित नहीं किया जाएगा। अगला, किसी अन्य मामले में राज्य सरकार की मंजूरी के बिना संचित नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि जब धारा 129, 30, 31 के अधीन कार्रवाई की गई थी पब्लिक पीस को कायम रखने के लिए, पब्लिक पीस को बनाए रखने के लिए, डिस्टर्बेंस होने से बचाने के लिए जो कार्रवाई की गई थी, चाहे वो सिविल बल के द्वारा की गई हो, चाहे वो आर्म फोर्स के द्वारा की गई हो, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति दंड न्यायालय में कार्रवाई करना चाहता है, अभियोजन करना चाहता है, अभियोजन चलाना चाहता है, तो फिर उपधारा एक जो है, उपधारा एक का खंड ए और बी ऐसा कहता है कि जहां सशस्त्र बल के द्वारा, आर्म फोर्स के द्वारा कार्रवाई की गई थी, तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना, अनुमति के बिना आप कोई भी कार्रवाई किसी दंड न्यायालय में संचित नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर जो कार्रवाई की गई थी वो आर्म फोर्स के द्वारा नहीं की गई थी, सिविल फोर्स के द्वारा की गई थी, तो फिर आप संबंधित राज्य सरकार की मंजूरी के बिना किसी भी दंड न्यायालय में कोई प्रोसिक्यूशन कार्रवाई आप संचित नहीं कर सकते हैं। उपधारा दो कहती है, धारा दो खंड ए, उप धाराओं में से किसी के अधीन सद्भाव पूर्वक कार्य करने वाले किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के बारे में धारा 129 और 30 के अधीन अपेक्षा के अनुपालन में सद्भाव पूर्वक कार्य करने वाले व्यक्ति के बारे में, यह धारा 131 के अधीन सद्भाव पूर्वक कार्य करने वाले सशस्त्र बल के किसी अधिकारी के बारे में, सशस्त्र बल का कोई सदस्य जिस आदेश का अनुपालन करने के लिए आबद्ध हो, उसके पालन में किए गए किसी कार्य के लिए उस सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उसके द्वारा कोई अपराध किया है। उदाहरण दो ही कहती है कि उपर्युक्त धाराओं के अधीन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा या पुलिस ऑफिसर के द्वारा या आर्म फोर्स के अधिकारियों के द्वारा या आर्म फोर्स के जो मेंबर हैं उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, ये नहीं समझा जाएगा कि उन्होंने कोई ऑफेंस कारित किया है। उन्होंने कोई ऑफेंस कारित नहीं किया है, ये उन्होंने कार्य धारा 129, धारा 130, 131 के अधीन किया है, सिविल बल के प्रयोग के द्वारा, सशस्त्र बल है उसके प्रयोग द्वारा कोई कार्य किया गया है, और वो कार्य उनका जो है धारा 129, धारा 130, धारा 131 में आता है, तो ये समझा जाएगा, और वो कार्य जो है सद्भाव पूर्वक गुप्तभेद में किया गया था, जो कार्य था धारा 129, 30, 31 में किया गया है, और वो कार्य अगर गुटफेद में किया गया है, तो ये बिल्कुल नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने कोई भी अपराध कारित किया है, बिल्कुल ये नहीं समझा जाएगा कि उन्होंने कोई अपराध कारित किया है। उपधारा तीन जो है, उपधारा तीन का खंड ए, वो ये कहता है कि सशस्त्र बल पद से भूमि बल के रूप में क्रियाशील सेना, नौसेना या और वायुसेना विपरीत है, और इसके अंतर्गत इस प्रकार क्रियाशील संघ के अंतर्गत सशस्त्र बल भी हैं। इन्होंने कहा कि जो सशस्त्र बल है इसका अर्थ क्या लिया जाएगा, तो इन्होंने कहा सशस्त्र बल का अर्थ है कि भूमि बल के रूप में सेना, नौसेना, वायुसेना, इनको समझा जाएगा, या फिर संघ का, यूनियन का कोई अन्य बल है वो भी सशस्त्र बल में
सम्मिलित माना जाएगा। खंड बी जो है सशस्त्र बल के संबंध में अधिकारी से सशस्त्र बल के ऑफिसर के रूप में आयुक्त राजपत्रित वेतनभोगी व्यक्ति विपरीत है और इसके अंतर्गत कनिष्ठ आयुक्त ऑफिसर वारंट ऑफिसर पेटी ऑफिसर अनायुक्त ऑफिसर तथा अराजपत्रित ऑफिसर भी हैं। तो इन्होंने कहा कि सशस्त्र बल के जो अधिकारी हैं इनका अर्थ क्या होगा, तो उन्होंने कहा सशस्त्र बल के अधिकारी का मतलब या अर्थ ये है जो उसका कमीशन है या गजिस्टर्ड ऑफिसर है या जो पेंशन लेने वाले वेतन भोगी जो वेतन प्राप्त करते हैं सैलरी प्राप्त करते हैं ऐसे जो उसके मेंबर हैं वो समझे जाएंगे। और इसके अंतर्गत कनिष्ठ आयुक्त ऑफिसर हैं, वारंट ऑफिसर हैं, पेटी ऑफिसर हैं, अनायुक्त ऑफिसर से अराजपत्रित अधिकारी भी माने जाएंगे। अगला खंड कहता है कि सशस्त्र बल के सदस्य में सदस्य सशस्त्र बल के अधिकारी से भिन्न कोई सदस्य अभ्यर्थ है। अगला ऐसा खंड ये कहता है कि आर्म फोर्स का मेंबर इसका क्या अर्थ है, तो उन्होंने कहा कि आर्म फोर्स का मेंबर से अर्थ ये लिया जाएगा कि जो आर्म फोर्स का ऑफिसर से भिन्न व्यक्ति है, आर्म फोर्स के ऑफिसर से अदरवाइज जो व्यक्ति होंगे वो इसके आर्म फोर्स के सदस्य कहे जाएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसका अगला जो भाग है नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे उसको, आज यहीं तक रखते हैं। और इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर वो आप क्या करेंगे, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। और किसी प्रकार के लगता है कि इसमें आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही है या अन्य कोई सुझाव की आवश्यकता है वो भी मुझे बता सकते हैं।